मजाक मजाक में भाई कुछ ज्यादा ही लग गया यार। मैं लगी भाई लग क्यों आके साथ साथ ओ के संग संग पत्ते चल तू तेज चलाई तूने अपनी गाड़ी इतनी सी है ना तुम्हारी इतनी सी है तुम्हारी बैक गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू लॉजिस्टिक ब्लॉग में और आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और आज हम बहुत ही खास जगह पे घूमने के लिए जाने वाले फिलहाल के लिए। वो जगह कौन सी है ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा तो आप वीडियो को एंड तक देखना। भाग गए भाई समय में तो भाग रहे भाई क्या उठी हल्का होने गया था गाइस कुछ लोग की सोच बहुत घटिया होती है भाई साहब भाई साहब बहुत खिलाड़ी निकल भाई भाई घर पे कोई नहीं है तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर भाई का इंतजार करते हैं भाई आएगा फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कहाँ निकलेंगे ब्लॉग देखो ब्लॉग दो अभी तक भाई आ नहीं रहा भाई बहुत प्रॉब्लम है अभी यहीं पे थोड़ी देर वेट कर देते हैं क्या करना है सामने आपको ऐसे खड़े रहना है आप मुझे ताली मारोगे क्या है देखो कुछ तो खाने की चीज लाया भाई क्या है ये कल दशहरा था उसकी सेलिब्रेशन में इसकी चटनी है तुम पे सब कुछ मिल जाएगा बेटा तो तुम्हें देखा कहाँ के है भाई भाई ने खा खा लेके बात को पलटाना चाहता है पर मैं बिल्कुल भी पलटने नहीं वाला ये जेठरा की फेवरेट डिश है भाई फाफड़ा है भाई ये टेस्ट करते हैं ठीक ठाक ही है भाई सभी का चटनी नहीं लाए तुम भाई चटनी खत्म हो गई थी चटनी के बिना इसका मौका हो रहा है रात बैठा है भाई इसमें ले भाई ले जा भाई तो क्या ये क्या भाई तो क्या ये क्या भाई क्या भयंकर मजा तो तब आएगा जब मैं तेरी कान फाड़ूंगा वो हर हेटर्स की फटेगी जब हम लोग ड्रॉप करेगा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो गए धन्यवाद अल्लाह अभी जाके आ रहा है अपने बंदी से मिलके जान दे चलो हम चलते हैं उस जगह पे अरे पेट्रोल पे आ रहा है पेट्रोल पुरवाने के लिए पूरी साल भर की कमाई निकल गई यार 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया मैंने मेरी पूरी 1 ईयर की इनकम चली गई उसमें साल भर की कमाई फूक दी भाई मैंने बहुत दूरे मंजिल लेकिन पहुंच जाएंगे अभी 20 किलोमीटर दूर जा रहा है और उनसे मिलके भाई इतना अच्छा लगा उनसे मिलने के लिए पूरा 1 साल वेट करना पड़ा मुझे क्योंकि उनके लेवल तक आना था मुझे 1 साल बाद फाइनली आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ और आपको मिलाऊंगा 1 साल लग गए मुझे उनसे मिलने के लिए
हमने सिर्फ सपने ही देखे उसको मिलने के लिए, जिसको लोग कठोर तपस्या करने के बाद ही नहीं मिल पाते हैं। किसी ने सच कहा है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को सच करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जो मेहनत लगती है, वो हम आज करने वाले हैं। ये पूरा ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, खरीद डालू क्या? ये सामने आप बेड खरीद की क्या, क्या कहते हैं? अभी, अभी अभी तक बना नहीं है गाइस, खरीद डालू। हमको सब लोग जानते हैं, हम ये वाला फ्लैट खरीद लेंगे। खरीद लू क्या? पूरी दुनिया खरीद लेंगे भाई, सक्सेस पाने के चाहत में पूरी दुनिया खरीद लेंगे। खरीद भी कहते हैं तो पूरी खरीद लेंगे भाई। देखो यार तुम्हारे भाई ने यार एरोप्लेन खरीदा था ना, वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे एरोप्लेन लगाया मैंने भाई, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, एरोप्लेन खरीदा था मैंने। ये ऑर्डर बहुत गरीब थी और इन लोगों के पास, ये हमारा प्राइवेट जेट है भाई, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, बहुत पैसा है भाई भाई के पास। हम लोग नया ले लेंगे गाइस, इनको बस ये होटल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अच्छा तो दिखाने के लिए हम लोगों ने हमारा जो जैसा वो उनको दे दिया। आया था भाई हमारे पास कहने के लिए कि भाई यार अपने एरोप्लेन दे दो यार, पैर पड़ रहा था हमारा, कह रहा था कि आप कहो तो आपका ले भी लूँ पानी का ग्लास। मंजिल बहुत करीब है, पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। और हमने सोचा भाई दे देते हैं भाई, इतना गिड़गिड़ा है और अब तो हमारे पास बहुत पैसे थे यार प्रभु की कृपा से, पैसे तो अभी भी है प्रभु की कृपा से, अभी भी जिंदगी अच्छे से ही कट रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, बस मजे करेंगे। और अभी जिससे जिसके पास जा रहे हैं उसके पास चलते हैं। आ ही चुका है, अब थोड़ा ही दूर है, इतनी सी है ना तुम्हारी, इतनी सी है तुम्हारी, इतनी छोटी है तुम्हारी। तो वो है वो भाई, तो भाई तो हम लोग वहां से निकल चुके हैं, तो आप उनको मिल ही चुके होंगे जिनसे हम मिलने के लिए आए हुए थे। तो वो हमारे ब्लॉग के फर्स्ट जगह ऐसी थी जहाँ पे हम पहला लॉन्ग ब्लॉग शूट करने के लिए आए थे, वो भी बहुत सारे दोस्तों के साथ। अभी तो वो लोग काम में, इसकी वजह से हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है मिलने का, लेकिन हम दोनों बक्चौदी करते ही रहेंगे, तो आप ब्लॉग को बस जैसे ही देखते रहो। ये देखो मेरी गाड़ी ठुक गई थी यहाँ पे, देखो क्यों तेज चलाई तूने अपनी गाड़ी भाई, डैनिस भाई की कार थी भाई, ओ भाई क्यों तेज चलाई तूने अपनी गाड़ी। तो अगर देखो डैनिस भाई जिंदा होता ना तो वो गाड़ी के बक्सरी पहन रहे होते भाई, चलते क्या बाबा, चलते ही क्या गाड़ी के पास, क्यों तेज चलाई तूने अपनी गाड़ी डैनिस भाई। जब आदमी तभी बदलता है जब उसकी जिंदगी में कोई सखी आ जाए, वरना ये मेरे साथ 15 रुपए वाला वड़ा पाव खाने वाला था बंदा, अचानक से कैफे में 25 रुपए का एक वड़ा पाव खाने लगा है भाई, मैं अकेला खाता हूँ भाई, मैं अकेला खाता हूँ। समझ जाओ कि लाइफ में कोई लड़की आ जाए तभी एक लड़का इतना ज्यादा चेंज हो सकता है, वरना भाई यार छोटी भाई यार भाई अभी अपना खाना भी आ चुका है, फ्रेंच फ्राइज भी आ चुकी है। जैसे अपनी मंदिर से बात करने लगी है खाते हो बस पता नहीं मेरी जल क्यों रही है, ये भी सही से नहीं हो रहा भाई, पता नहीं मेरी जल क्यों रही है। घर पे आ चुके गए जी सभी, अब
गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। अभी तो इधर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे वेलू भाई के घर पे। किसके घर पे? वेलू भाई के घर पे। तू आ रहे? पर भाई मैं तो सिंगम हूँ भाई, सिंगम हूँ मैं तो भाई, सिंगम हूँ मैं, सिंगम हूँ भाई मैं तो भाई। मेरे 80 लाख के तौर पर ऑल ब्लैक आउटफिट पहनती चूत भाई। तो अपनी सखी से बात करने में बिजी हो चुके हैं। ये देखो गाइस, नज़ारा एकदम मस्त है, लेकिन जब बारिश गिरती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। वैसे नज़ारा देखने में बड़ा मजा आता है। आप देख लो सामने का व्यू बहुत मस्त है। देखो सामने कौन से की बात कर रहा है तू भाई? भाई की नजर भाई बहुत हल्की हो गया गाइस। तब भी उसका छोटा था, अब बड़ा हो गया तब भी उसका छोटा ही है। सीमा की बात कर रहे गाइस, और कुछ नहीं। और कुछ मत समझना। तो भाई की आशिकी शुरू हो चुकी है। भाई की आशिकी शुरू हो चुकी है। भाई तुम दोनों ना एक ही कैटेगरी में आते हो। भाई मैं थोड़ा अलग टाइप का, पर कैटेगरी की आती तुम्हारी, मैं ही सिर्फ एक अलग करता हूँ। यहाँ पे आए थे ऊपर और भाई की आशिकी खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे भी भाई की आशिकी चल रही है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, दिखा भाई। क्या दिखा? कैमरे में जूम में भी नहीं दिखेगा इतना दूर, तो फिर भी ट्राई कर दो। दिख रहा है, दिख रहा है, देखो वहाँ पे दिख रहा है। गाइस गाइस दिखा क्या हो रहा है? देखो वहाँ पे कुछ है। वो क्या है? वो क्या है? ये यहाँ गुजरात का माँ काली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसको पावागढ़ टेम्पल कहा जाता है। बहुत बड़ा पहाड़ है, इसका भी हम लोग अलग से ब्लॉग बनाएंगे। आप लोगों तो कमेंट में ब्लॉग शेयर, तो आप लोग बता देना हम लोग जरूर जाएंगे। और देव दिवाली पे हम लोग जाने वाले हैं। दिवाली के अंदर सीजन जो होगा वो जाने का, घूमने का बहुत मजा आएगा। तो आप लोग कमेंट बता देना, हम लोग जाएंगे जरूर। कहाँ पे? वहाँ पे पहाड़ों में नजारा बहुत खतरनाक है। मेरे को तो सबसे बढ़िया ये वाला लगा, देख क्या ही खतरनाक सीन आ रहा है। ये वाला लगा क्योंकि ये बहुत ही कम दिखता है बारिश। भाई क्या ही सेक्सी व्यू आ रहा है यहाँ, देख भाई। भाई क्या कर रहा था? भाई क्या कर रहा था? ये क्या कर रहा था? भाई बस खुश था, हवा में खतरे में आया था, आशी के दिख रही थी। भाई ना नजारे को देख के तो पत्थर मारा, जिंदगी के सारे दुख मैंने एक पत्थर मार के खड़ा दिए। मेरी हाथ के चल रही है भाई, शर्मा गया भाई। तू चल रहा अमन मार। भाई मजा आ गया भाई। भाई बैक फ्लिप मार के दी। आने पहले भी डाला। हेलो हेलो ये सर्वर भाई है, और मेरे सब्सक्राइबर को सॉरी बोल, सॉरी बोल दे बच्चा। तो इसका इसका नाम कैरी है, तो यार अपने को सॉरी बोलने वाला है। सॉरी बोल दे मेरे दोस्त को। क्यों? तू क्यों है? हर हर बिल के अंदर हाथ नहीं डालने का, क्योंकि हर बिल के अंदर ना खरगोश नहीं होता, तो मेरे साथ शेर भी होता है। मैं शेर हूँ? मैं शेर हूँ। पर आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को सॉरी बोले, मेरे लोगों को बोले कि मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, मैं मेरे को रोस्ट किया। ठीक है, मैंने रोस्ट किया। इन सब के लिए मैं इनसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आप रोज़ सहा नहीं चाहता तो आप
किसी और जगह से भी ले सकते हो, किसी और जगह पे भी ले सकते हो। अभी अभी ये सलमान मेरे को मारेगा तू, आ जाओ क्या भी अपनी पे, आ जाओ क्या, सलमान से पंगा ले रहे तू संजू, कैरेक्टर भूल गया सलमान। जो हम को देखो देखा लिया भाई, देखा लिया भाई, अभी मारेगा भाई, देखा लिया है, देखा लिया भाई, अभी भाग रहा है, अभी देखा रहा उस साइड पे जाके मारेगा, फिर कैचअप करते वो सीन कैचअप। भाई कबूतर भी घबरा गया, परिंदा आ गया वहां पे बैठ के बात कर रहा देखो, परिंदा भी घबरा गया कि कौन सा चूक गया, भाई देख गया मैं आपको। मास्क तो फेमस ही याद आया और ऑल्टर्स गाइस हमारे जाने के बाद मौसम अपना रंग दिखाने वाला दिखा रहा है देखो पूरा काला हो गया भाई, वीडियो में नहीं दिख रहा पर पूरा को हो भाई, भाई मिलते भाई 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 अभी चलते हैं भाई, चलते हैं भाई घर पे, चलते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक मौसम। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो हमको कमेंट में बताना कि कैसा लगा, क्योंकि बकसोली तो चलती रहेगी और ब्लॉग भी कंटिन्यूस आते रहेंगे, बस आप लोग ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना और भाई को सपोर्ट करता रहना ऐसे ही, सब्सक्राइब द बिल्लो ब्लॉग और बाकी वीडियो शेयर करो, बाय।